हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज ब्लॉग बहुत दिन के बाद आ रहा है गाइज, इसके लिए सो सॉरी। तो गाइज आज ब्लॉग ये होने वाला है कि आज हम जाने वाले हैं दादर जाने वाले हैं सिद्धिविनायक मंदिर। तो गाइज आज ट्यूजडे है जैसे सबको पता है, तो आज बहुत गर्दी होने वाली है वहाँ पर। तो आज हम जाते हैं सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, आपको लाइव दर्शन कराने वाले हैं गाइज। तो चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई का चैनल को फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आपके भाई की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। गाइस यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो इसलिए थोड़ा डिमोटिवेट होता है, बट सपोर्ट करेंगे तो मस्त मस्त वीडियो लेके आने वाला हूं आप लोग। तो चलो फिर वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। दादर स्टेशन पे पहुंच गए हैं और अभी यहाँ से निकलते हैं और सिद्धि विनायक के लिए। चलो बाहर देखते हैं टैक्सी मिलेगी या फिर कैसे जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे वीडियो में, बने रहिएगा। ब्रिज से भी नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे हाईवे है। तो यहाँ पे मार्केट वगैरह लगती है, स्टेशन से जैसे ही बाहर आएंगे आप उस टाइप के सामने खाने वाने का सामान भी मिलता है, यहाँ पे ज्वेलरी मिलती है। सो अब भी आगे से देखते हैं टैक्सी मिलने वाली है तो वहाँ पे टैक्सी पकड़ते हैं और फिर जाते हैं हम। जो ओवर ब्रिज है इसके नीचे मार्केट लगती है, आज नहीं लगी है। तो गाइस बहुत गर्मी है मुंबई में, बहुत ज़्यादा गाइस। तो अभी यहाँ सामने से टैक्सी मिलेगी, देखते हैं टैक्सी कहाँ के सिद्धिविनायक के लिए मिलती है या फिर पैदल जाते। कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, इस लाइन में लगना पड़ेगा अपने को गाइस, बहुत लंबी लाइन है। और ये वाली टैक्सी मंदिर के पीछे जाएगी, बट सोच रहा हूँ इसमें ही जाऊँ लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है। तो मैं पता करता हूँ कितना लंबा पड़ेगा यहाँ से अपन चल के जाने के लिए, तो ऐसे ही जाते क्योंकि इतनी लंबी इतनी गर्दी लाइन है, मतलब बहुत लंबी लाइन है गाइस। तो अभी यहाँ पे लगने का मतलब है सबसे पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए कितनी लंबी है, तो हम यहाँ से पैदल ही जाते वहाँ पे गाइस। ये सब मंदिर जाने वाले हैं और गर्दी कितनी होने वाली है वो आपको मंदिर में पता चलेगी। तो चलो फिर हम जा। मार्केट है, मैंने दादर की मार्केट पहले भी आपको दिखाई है वीडियो में और उस वीडियो को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा उसके लिंक को, उसको आप वापस जाके चेक कर सकते हो। पूरी दादर की फुल मार्केट की वीडियो थी। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा स्ट्रेट। एक अंकल से हमने पूछा कि यहाँ से सिद्धिविनायक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो अपन अगर चल के जाएंगे तो 15 से 20 मिनट लगेगा, उन्होंने ऐसा बोला। तो यहाँ से सेकेंड वाली गली बोले पकड़ो और सीधा निकल जाओ। तो फिर अपन जाते हैं और देखते हैं, चल के ही जाएंगे गाइस क्योंकि इतनी लंबी लाइन में कौन खड़ा होने वाला है। तो जब तक तो अपन पहुंच जाएंगे। तो फिर चलिए गाइस, धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो कभी भी आओ तो कैप वगैरह लगा के आओ। मैंने तो कुछ भी नहीं लगाई, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अगर आप आते हो तो कैप वगैरह या फिर थर्मल रुमाल वगैरह बांध के आइए, हैंकी वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप छतरी लेके आइए गाइस, बहुत धूप है बहुत ज़्यादा। मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया ना फिर कुछ लेके आया हूँ, तो मैं निकल रहा हूँ और ओके चलेगा गाइस क्योंकि समझना। फिर जाते हैं हम, आपको मिलते हैं फिर वीडियो। तो गाइस हम चल के जा रहे हैं और इतनी गर्मी लग रही है गाइस सच में। भगवान के पास पहुंचने के लिए अगर कुछ कष्ट ना सहे तो फिर मतलब ही क्या है। इसलिए मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया कि मैं चल के ही जाऊँगा, चाहे जितना टाइम लगेगा मुझे, बट मैं चल के ही जाने वाला हूँ। तो गाइस अभी निकल रहे पहला राइड छोड़ के। हाँ ये पहला राइड छोड़ेंगे, देखिए ये हमारा पहला राइड है, ये पहला राइड है, तो ये छोड़ते हैं अपन, फिर सेकेंड वाला राइड देखते वहाँ से जाएंगे, फिर मिलते हैं मंदिर में आपको और दिखाते हैं गाइज। बहुत मज़ा आने वाला वीडियो में सिद्धिविनायक के लिए। अब यहाँ से सीधा स्ट्रेट जाना है हमको सिद्धिविनायक के लिए, सीधा स्ट्रेट जाते हैं फिर देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा अपने को। अभी तो मेन मंजिल सामने ही है गाइज, बस पाने वाले हैं बहुत जल्द, तो कर रहे हैं और जा रहे हैं, लेट्स डू इट। सिग्नल से सीधा जाना है सामने वाला रोड सिद्धिविनायक के लिए सामने, तो यहाँ से जाएंगे अपन सिद्धिविनायक। यहाँ तक पहुँच गए हैं बट अभी कोई तक कोई पता नहीं है किधर जाना है किस साइड, तो पूछता हूँ यहाँ पे किसी से। आई थिंक यही वाला रोड है जो सिद्धिविनायक को जाएगा, क्योंकि मैंने पूछा था तो राइट मार के जाना है, तो यहाँ से सब लोग दर्शन करके आ भी रहे हैं, तो आई एम श्योर कि यही वाला रोड जा रहा है सिद्धिविनायक। तो चलिए और आप सिद्धिविनायक का दर्शन कराने वाले आपको बहुत जल्द। फूल वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया गाइस, सामने भी है और यहाँ पे भी मिल रहा है फूल, और जिसके पास कैश नहीं है तो यहाँ से कैश भी ड्रॉ कर सकता है, HDFC का ATM है। और यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रेट जाना है या राइट मारना है वो आप अपन पूछते भाई। सिद्धिविनायक मंदिर तो स्ट्रेट जाना है गाइस, तो स्ट्रेट जाते हैं।
यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे हम सिद्धि विनायक मंदिर के लिए, तो गाइस सामने ही दिख रहे हैं। तो गाइस शायद फाइनली पहुँच गए हैं सिद्धि विनायक मंदिर, तो हम करने वाले अंदर एंट्री, और आपको एंट्री दिखा सकते हैं कि नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। जितना होगा मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ये लिखा हुआ है सिद्धि विनायक गणपति मंदिर, तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, वहाँ पे सर मना कर रहे हैं। मैंने बोला था बहुत गर्दी होने वाली है, तो गाइस देख सकते हैं कितनी गर्दी है, मैंने वो आपको बोला था। आज के दिन क्राउड बहुत ज़्यादा होने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा क्राउड है आज। तो हम देखते अब कितना क्राउड है गाइस, आज क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के अकॉर्डिंग बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को करते हैं, दिखाते हैं। तो गाइस गर्दी देखो फिर कैसे दर्शन करने गए आप, बहुत गर्दी है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो अभी दर्शन करने के लिए मैं आपको बस यहीं तक दिखा पाऊँगा, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो क्राउड में फ़ोन अलाउड नहीं करते, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्राउड देखिए। सेकेंड वाला गेट है, क्राउड देखिए कितना ज़्यादा है। आज के दिन ट्यूसडे के दिन इतना क्राउड रहता है, इससे भी ज़्यादा क्राउड रहता है, क्योंकि अभी तो टाइम निकल गया, मॉर्निंग के टाइम तो आते थे वो, अब तो बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला था। अभी तो फ़िलहाल भी सही है क्राउड, कितना क्राउड है ये मैंने ट्यूसडे के दिन, मैंने बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं ट्यूसडे को, तो बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को आज फिर वापस मिला है मेरे को। ढूंढना है किधर से हमको अंदर एंट्री मिलेगी गाइस, तो शूज को पहले निकालते हैं, फिर ढूंढते हैं अंदर एंट्री के लिए। शूज और स्लीपर्स जमा कर सकते हैं हम, फुटवेयर को सेव रख सकते हैं, तो यहाँ पे ही करते हैं, फिर रख देता हूँ, फिर चलते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, बहुत गर्दी है गाइज, बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो भी आ गए, बट गाइज अलाउ नहीं है, दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो गाइज अभी हम 100 रुपये वाली एंट्री में अभी जा रहे हैं अंदर, तो फूल ले लिया जाते हैं, फिर आपको अंदर का सीन दिखाने वाले वीडियो में। तो गाइस सबको नहीं दिखा सकते, जितना दिखा पाएंगे उतना आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला। सामने सिद्धि विनायक का दर्शन करिए लाइव। गाइस क्राउड बहुत है, आपको भी करा दूँ। तो गाइस फाइनली दर्शन हो गया है, अब हमें यहाँ से निकलना है, तो चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से। दर्शन हो गया, बहुत मज़ा आया दर्शन करके गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो फिर अभी दर्शन बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो इसकी वजह से बहुत कम हो पाया, तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। अभी क्राउड देखिए, आज मंगलवार है, इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्राउड है गाइस, चलिए अब निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हो गया अभी दर्शन, और हमें यहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो गाइज आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि आपको नई की वीडियो आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय।